शहद है और ये छोटी माखी का शहद है। ये बंदा सिंध से लेके आया है मेरे पास, इंटीरियर सिंध से। और सिंध में, इंटीरियर सिंध में खजूर के दरख्तों पे ज्यादा लगते हैं। कहाँ लगता है शहद? खजूर से उतारते, खज्जी से, खज्जी से और लेते हैं और किससे? बबुर से। बब्बर से? बब्बर किसे कहते हैं? अच्छा, मुझे नहीं पता अभी सिंधी में बब्बर किसे कह रहे हैं। अगर किसी को पता हो, कैमरा आगे ले आए तो मैं उनको उनको बताऊँ। अच्छा, ये जो हनी है ना, दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। ये हर दफ़ा मेरे साथ ना मैदे के मसले लेकर आ जाता है। इसको यूज़ करें आप लोग, कोशिश करें कि आपको खालिस मिले। खुशकिस्मत है वो लोग जिनको खालिस मिल जाए। खालिस है, खुद उतार के लाए हो, ये तो तुम्हारी मेहरबानी। लेकिन बाजू का कमर्शियल मेड आता है, कमर्शियल हनी आता है। कोशिश करें कि आपको खालिस हनी जो है वो मिल जाए। और खाली खालिस हनी जो है दैट इज़ वेरी गुड। अगर आपको कहीं से भी खालिस हनी जो है वो मिल जाएगा, तो खाली आपको मेदे के जो मसले हैं या बाकी जो मसले हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमें नींद के प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं उनको भी हनी रिकमेंड करता हूँ। उसके अलावा ख़ास तौर पे अभी स्मोक का सीज़न आ रहा है, हनी आप थोड़ा सा डाल के ना उबले उसमें बॉइल्ड वाटर में, पर कपड़ा डाल के, या आजकल स्टीमर आए में आप हनी की भाप लें, वो इतनी इफेक्टिव है ना ये स्मोक के सीज़न में। या जिनको सांस के मसले हैं या जो क्रॉनिक सिगरेट पीते हैं स्मोकर, वो दिन में 2 दफ़ा ना 1 चम्मच हनी डाल के उसकी भाप लिया करें, तो देखें कितना उनको सूदिंग इफेक्ट आता है और उनके फेफड़े कितने खुल जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ मैंने बाहर के मुल्कों में भी देखी थी, जो उनके स्टीमर्स होते थे ना, जहाँ वो स्टीम देते हैं, वहाँ वो ओरिजिनल हनी डाल के जो है ना उसकी स्टीम को सर्कुलेट करते थे। अच्छा, बदहजमी के जिनको मसले होते हैं, मेरे पास उस दिन एक बंदा मुझे देखे गया कि जो डिस्पेप्सिया के मरीज़ हैं जिन्हें बदहजमी के मसले होते हैं, आप उनको ये च्यूएबल टैबलेट दें, चीज़ें दें, हनी फ्लेवर्ड है। तो हनी जो जिन लोगों को बदहजमी के मसले होते हैं उनके लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके अलावा जिनको सर में दर्द रहता है उसके लिए भी ये हनी बहुत इफ़ेक्टिव है। ये B6 राइबोफ्लेविन कैल्शियम का सोर्स है, कॉपर और आयरन का सोर्स है, तो दैट इज़ अल्टीमेटली वेरी इफेक्टिव इफ़ इट इज़ यूज इन दैट क्वान्टिटी। उसके अलावा इन दी एंड इट इज़ अ ब्लड क्लीनर, स्लीप एड तो ये है ही है। इसके अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम कुव्वत मुदाफियत को भी बूस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो किसी एंटीबायोटिक में पाई जाती है, यानी कि ये इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है आपको तरह तरह के। उसके अलावा लोग कहते हैं वेट गेन, ये वेट लॉस में इफेक्टिव है। आप सुबह निहार मुँह आधे कप पानी में जो आप चाय पीते हैं, अगर आप उसकी जगह, ये मैंने पूरा इफेक्टिव मैंने रिसर्च की, इसको बाकी भी रिकमेंड करेंगे, अगर आप आधा कप पानी लें, उसे बॉयल करें और उसमें सिर्फ 1 चाय का चम्मच हनी डालें और कुछ ना डालें और आप उसको पिएं, तो आपका वेट लॉस होता है। और ये मैंने खुद करके देखा है, आपका वज़न जो है वो कम होने लग जाता है, बिकॉज इट बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म और ये फैट बर्निंग प्रोसेस को एड करती है, हेल्प करती है। इसीलिए मैं चाय में भी रिकमेंड करता हूँ। ज़्यादती हर चीज़ की बुरी है, लेकिन आप कम से कम भी 2 से 3 जो टीस्पून है हनी के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हनी में कोई ये इस तरह उतरा हो, जैसे इसने छोटी माखी का खुद दरख्त से उतारा है, छोटी माखी है, छोटी। अच्छा, अगर हनी जो है वो कमर्शियली मेड है तो उसमें चीनी का कंटेंट भी होगा जो डेंजरस हो जाएगा। ये चीज़ ज़रूर देखें जब आप भी हनी परचेज करें कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, अच्छी कंपनियां लिखती हैं कि उन्होंने शुगर डाली है कि नहीं डाली, और अगर डाली है तो गलत की है, क्योंकि और फिर आर्टिफिशियल उसमें फ्लेवर्स डाले हैं कि नहीं डाले, उससे भी हनी की तासीर ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो जवान लड़के या लड़कियों को एक्नी के इश्यूज़ हो जाते हैं ना, उनके ये जो जवानी में दाने निकल आते हैं, उसके लिए भी हनी बहुत इफेक्टिव है। एंड आई हैव सीन इट कि लोगों को, स्पेशली वो बच्चियाँ जो टीन एज से गुजर रही हों, हार्मोनल इश्यूज़ का शिकार हों, उनको हनी जो है वो ये लेती हैं तो उनकी ये एक्नी ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा इट इज़ गुड फॉर वूंड्स एंड बर्न्स, जिनको ज़ख़म या जले के निशान हो वो भी ये इस्तेमाल करें तो ये गायब हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा जिनका पेट ख़राब रहता हो, स्पेशली जिन्हें IBS-D का मसला है, डायरिया के साथ पेट में दर्द और IBS रहता है, उसमें हनी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इसके बेशबहा फायदे हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मैंने आपको बता दिया B6 राइबोफ्लेविन कैल्शियम कॉपर आयरन मैग्नीशियम फॉस्फोरस पोटाशियम सोडियम जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है। जिन बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उनके लिए भी ये हनी बहुत इफ़ेक्टिव है। थकावट, जिन लोग कहते हैं हम थके रहते हैं,
वो भी ये इस्तेमाल करें। इस्तेमाल का मैंने आपको तरीका बता दिया, निहार मुंह और शाम के टाइम गर्म पानी से के आधे कप में इसको एक टीस्पून को उबाल के बॉईल करके इसको ड्रिंक कर लें और चाय की तरह पिए, चाय ना पिए ये पिए तो, और कोशिश करें कि खालिस मिले जैसे इसने खुद उतारा है ना, गारंटी है, सुट्टो गारंटी है, कैमरा सुट्टो गारंटी है, 100% सुट्टो। सुट्टो सिद्धी में कहते हैं कि ओके परफेक्टली फाइन। तो इस तरह अगर आपको नेचुरल हनी मिल जाए तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं। शहद के बहुत फायदे हैं, एतदाल के साथ यूज़ किया जाए, इवन शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, बट यूज़ किया जाए एतदाल के साथ। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।